इतना ही कोड़ते हैं एक दिन में। और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और सुबह सुबह मैं बारी तरफ आया हूँ और आज यहाँ से ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ सुबह से। और ठंड भी लग रहा है, ठंड का मौसम भी आ गया है। और बारी तरफ आया हूँ क्योंकि बारी को आज से कोड़ूंगा बारी को, और मिट्टी को कोड़ूंगा तो सब्जी लगाने के लिए। और आज से स्टार्ट करने वाला हूँ तो आपको दिखाऊंगा कि कोड़ी से ही मैं करता हूँ। और एक तो कांटा वाला है, दांता वाला कोड़ी बोलते हैं उसको, उसी से कोड़ूंगा और मिट्टी को। तो चलिए आपको दिखाते हैं और मैं भी अभी स्टार्ट करूँगा कोड़ने के लिए। तो चलिए आप भी देखिए कि कैसा कोड़ा करता हूँ बारी को, और स्टार्ट करते हैं तब। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये वाला इधर मिट्टी सूख गया है, वो पहले से साफ किए थे, घास को साफ किए थे इसलिए सूख गया है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज, और पीछे धीरे धीरे इधर स्टार्ट करेंगे क्योंकि घास को अभी तक जलाए नहीं, उसको जलाएंगे, धीरे धीरे सूख रहा है इसलिए। और देख रहे हैं साफ किए हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा थोड़ा घास है तो कोड़ा करेंगे उसी टाइम घास को निकाल देंगे, साफ कर देंगे। और ये देखिए ये सनई फूल है तो इसको थोड़ा सा रस्सी से बांध के थोड़ा साइड कर देंगे और उसके बाद कोड़ा स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए इसी कोड़ी से, ये इसको बोलते हैं हम लोग दांता कोड़ी, और इसी कोड़ी से हम बारी को कोड़ेंगे, मिट्टी को कोड़ेंगे। और आपकी तरफ क्या बोलते हैं कमेंट में बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। और अभी मिट्टी को कोड़ के अभी बैठे हैं और पसीने से भीग गए हैं, और हवा भी अच्छा आ रहा है और अच्छा लग रहा है, पसीने से भीग गए हैं तो हवा भी आ रहा है तो अच्छा लग रहा है अभी। और देखते हैं आज तो और कोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि एक साल के बाद आज कोड़ रहे हैं और बहुत थक गए हैं, तो कल सुबह आके फिर कोड़ेंगे मिट्टी को बारी तरफ आएंगे। और आपको दिखाते हैं कि कितना कोड़े हैं और कैसा लाइन में है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ से बैठ के आपको दिखा रहे हैं
आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ही कोड़े हैं जैसा, तो पास से जाके आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, और थोड़ा सा है रह गया है क्योंकि बहुत थक गए हैं और मिट्टी भी गीला है और थोड़ा सा ही कोड़ना है और वहीं तक ही कोड़ते हैं। और ये देखिए, और ये लाइन में ही कोड़ते जा रहे हैं उसको, और इतना ही कोड़ते हैं एक दिन में, और वो आगे तरफ सूखा रहता तो पूरा ख़त्म कर देते। और देखिए यहाँ से मिट्टी को कोड़े हैं, और यही लाइन में पहले लगाएंगे उसको, थोड़ा सा जल्दी लगाना पड़ता है। और हम अभी आपको नहीं बताएंगे क्योंकि सरप्राइज है आपके लिए, और उसी टाइम बताएंगे कि क्या लगाएंगे। और वो ठंड के दिन में बहुत अच्छा होता है, और थोड़ा सा धूप हो जाने से अच्छा नहीं होता है, उसका फल नहीं आता है, और उसको ही जल्दी लगाने के लिए जल्दी कोड़ना पड़ता है मिट्टी को। और ये साल तो बारिश थोड़ा सा लंबा आ गया है, आया था, इसीलिए अभी तक सूखा नहीं, तो घास को अभी काट दिए हैं, तो अभी जल्दी जल्दी सूखेगा मिट्टी, और उसके बाद कोड़ा भी करेंगे जल्दी जल्दी। और अभी टाइम मिलेगा तो हर एक दिन सुबह आके कोड़ेंगे मिट्टी को। और कल देखेंगे, यहाँ कोड़ी है और इसी लाइन को कल लेके जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा सूखा हुआ है, गीला भी है लेकिन थोड़ा बहुत सूख गया है ऊपर का, और थोड़ा गीला होने के वजह से मिट्टी मेहनत थोड़ा सा करना पड़ रहा है, और आज पहला दिन है इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना पड़ रहा है, और बाद में जैसा लगता है हालत ख़राब होने वाला है, और जब बॉडी रिलैक्स हो जाएगा तो पूरा बहुत पेन करेगा बॉडी जैसा लग रहा है। और देखते हैं कल, और आज के लिए इतना ही, और बहुत थक गए हैं और शरीर भी बहुत पेन कर रहा है, दुख रहा है, और एक साल के बाद कोड़ी पकड़े हैं और बारी तरफ आए हैं और कोड़ी कोड़ा किए हैं, तो मिट्टी को कोड़े हैं, तो इसीलिए बहुत थक गए हैं। और अभी कल से फिर आएंगे सुबह सुबह थोड़ा सा, और कोड़ेंगे हर दिन सुबह सुबह आएंगे, थोड़ा सा कोड़ेंगे और सब्जी लगाने के लिए रेडी करेंगे जल्दी से। और हम यहाँ अपने बारी में लगाते हैं प्याज और लहसुन और मूली सब लगाते हैं, आलू सब भी लगाते हैं, और थोड़ा सा स्पेस बचेगा तो उसमें साग सब लगाते हैं, और ऐसे ही लगाते हैं सब सब्जी सब। तो और वहीं आज जहाँ कोड़े हैं वहाँ जिस दिन लगाएंगे आपको बताएंगे, वो आपके लिए सरप्राइज है, और क्या लगाएंगे आपको उसी दिन आपको बताएंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।